गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के बीच सालों से लड़ाई चल रही थी, ये तो हम सभी जानते हैं। दोनों ने इंटरव्यूज में भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बार बातें की थी। हालांकि अब 7 साल बाद उनके बीच की लड़ाई खत्म हो गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, गोविंदा को हाल ही में कपल के शो द ग्रेट इंडियन कपल शो में भी देखा गया था। यहाँ कृष्णा अभिषेक और गोविंदा ने एक दूसरे को गले भी लगाया। वहीं अब गोविंदा को चोट लगी थी तो कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा उनसे मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंची थी। आपको बता दें कि आखिर क्यों हुई थी गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के बीच में सालों पहले ये लड़ाई। कपिल के शो में गोविंदा ने उनकी लड़ाई की पीछे की असली वजह का खुलासा भी कर दिया है। गोविंदा ने कहा कि वो कृष्णा अभिषेक से और उनकी एक्ट में जो डायलॉग इस्तेमाल किए गए थे उनसे नाराज थे, बल्कि सुनीता ने तो इसे डिफेंड ही किया था। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी सुनीता ने कहा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ऐसा करती है, कृष्णा को कुछ मत कहना, वो पैसा कमा रहा है और उसे उसका काम करने दो, किसी के लिए आप स्टॉपेज नहीं बनिए, किसी से गलत मत कीजिए। फिर गोविंदा ने कहा कि कृष्णा अभिषेक को मामी सुनीता से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद कृष्णा अभिषेक ने मामा से सभी के सामने माफी मांगी और ये स्वीकार किया कि वो मामी से प्यार करते हैं। कृष्णा अभिषेक ने कहा, हाँ मैं उनसे प्यार करता हूँ, अगर कहीं कोई खराब फीलिंग है तो सॉरी, आई लव यू। चलिए आपको बता दें कि आखिर ऐसी कौन सी स्टेटमेंट थी, कौन सा मजाक था जो कृष्णा अभिषेक ने गोविंदा पर कर दिया था। एक्टर गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा 7 साल से जिस लड़ाई के पीछे चल रहे हैं वो आखिर थी क्या। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में एक शो में कृष्णा ने कहा था कि उन्होंने गोविंदा को अपना मामा बना कर रखा है, जिस पर गोविंदा ने कहा था कि पैसों के लिए टीवी पर किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए और इसी कारण ये लड़ाई इतने सालों से चलती आ रही थी। आपको बता दें कुछ समय पहले गोविंदा को गलती से पैर में गोली भी लग गई थी, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस वक्त कृष्णा अभिषेक शहर में नहीं थे, लेकिन जब कृष्णा अभिषेक को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत रोए भी थे।